अभी आप सभी लोग देख रहे होंगे कि किस तरह से किसान का आंदोलन चल रहा है। उन पर वाटर यानी कि पानी की बरसात करवाई जा रही है। उनकी बातों को देख रहे हैं आप लोग कि ना के बराबर सुना जा रहा है। किस तरह से वो ठंड पर एक तरह से डटे हुए हैं, अपना आंदोलन कर रहे हैं। तो चलिए आज जान लेते हैं हम लोग एमएसपी के बारे में। एक सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है और काफी चर्चा में बना हुआ है। याद रखिए, जब भी सेना की बात होगी, जब भी किसानों की बात होगी और जब भी छात्रों की बात होगी, मैं हमेशा इनके सपोर्ट में रहूंगा। अब आप लोग हैं या नहीं है, ये आप पर निर्भर रहता है, क्योंकि इन तीन लोगों का कम से कम हमारी जिंदगी में, हमारे देश के लिए काफी योगदान रहने वाला है और काफी योगदान रहा है। आप समझिए कि किसानों के बिना हम लोग कुछ उम्मीद भी नहीं कर सकते हैं अपनी जिंदगी की। आज वो अपने खेतों में मेहनत कर रहे हैं, उसी की वजह से हम अपना घर में बैठकर खा रहे हैं। समझ रहे हैं आप लोग? तो याद रखिए, काफी हम लोगों को इनका सपोर्ट भी करना चाहिए, मुझे लगता है। और दिल्ली के आसपास आप लोग देख रहे हैं कि लोग भी इनका सपोर्ट कर रहे हैं, दिल्ली के खाना खिला रहे हैं उन्हें। तो इसके बारे में भी आप लोगों को याद रखना चाहिए। और कई लोगों का कहना है कि कई राज्यों में इसका आंदोलन नहीं हो रहा है, जैसे बुंदेलखंड ले लीजिए आप लोग, उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में, मध्य प्रदेश की बात कर लीजिए, बिहार की बात कर लीजिए, कुछ ही बिहार और इन राज्यों के हिस्सों में आंदोलन हो रहा है। तो मैं बार बार आपसे बोल चुका हूं, बुंदेलखंड के किसानों की हालत आप लोग जानते हैं। वहां खाने के लिए अच्छे से नहीं होता है तो वो क्या आंदोलन करेंगे। वही हाल है कि आप समझिए कि अगर कहीं कोई एक तरह से शोषण हो रहा है तो क्या आप कहेंगे कि मतलब आपने देखा है हमारे देश में कई जातियों का शोषण होता है, महिलाओं के साथ भेदभाव किया जाता है, बच्चों के साथ किस तरह से बाल मजदूरी करवाई जाती है। तो क्या उनकी अगर एफआईआर नहीं होती है, उसका पता या हमें नहीं चलता है, तो क्या हम ये मान के बैठ जाएंगे कि मतलब इनके साथ शोषण नहीं हो रहा है। तो एक तरह से आप समझिए कि सबका शोषण हो रहा है, बस कोई आगे आ रहा है, कोई नहीं आ रहा है। आप देखिए, आजादी से पहले आप लोग जाइए, तब भी आप देख रहे थे कि सभी समूहों का शोषण हो रहा था। कुछ समूह उनमें से आवाज उठा रहे थे, कुछ गुलामी कर रहे थे सरकार की। इसी समय आपको भी देखने को मिलेगा, कुछ लोग सरकार की गुलामी में लगे हुए हैं, कुछ अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। और जो अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, उन्हें या तो आतंकवादी कह दिया जाता है, या खालिस्तानी कह दिया जाता है, या फिर देश की अशांति के लिए इन्हें जिम्मेदार ठहराया दिया जाता है। लेकिन उनकी समस्या को कोई नहीं सुनता है। ठीक है, तो अभी आप देख रहे होंगे, विशेष तौर पर आपको देखने को मिलेगा हरियाणा और पंजाब के किसान काफी आंदोलन में भाग ले रहे हैं। अब आप लोग कहेंगे कि पंजाब हरियाणा के किसान विशेष तौर पर क्यों भाग ले रहे हैं, क्योंकि आप जानते हैं पंजाब के किसानों की हालत बुंदेलखंड के किसानों से कई गुनी अच्छी है। पंजाब के किसानों के बच्चे वीआईपी स्कूल में पढ़ते हैं, वो वीआईपी जिंदगी जीते हैं, वो मेहनत करते हैं। तो आप समझिए कि उनकी जिंदगी अलग है। बुंदेलखंड के किसान क्या करते हैं कि आपने देखा होगा कि फसल बो दी और कट हो गई तो हो गई, वरना छोड़ दी गई। लेकिन वहां के किसान हमेशा फसल का विशेष तौर पर बड़े अच्छे से ध्यान रखते हैं। ठीक है, तो बात करूं अगर पंजाब हरियाणा की, तो ये देखने को मिलेगा आपका पंजाब है, ये हरियाणा है। ठीक है, ये नई दिल्ली है। एमएसपी की बात करें तो पंजाब और हरियाणा समेत देश भर के विभिन्न राज्यों के किसानों द्वारा राजधानी दिल्ली की सीमाओं पर हालिया कृषि कानूनों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। प्रदर्शनकारी किसानों की प्रमुख मांगों में से एक मांग यह है कि सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी प्रणाली को लेकर लिखित गारंटी प्रदान करे, जो उन्हें उनकी फसलों के लिए निश्चित मूल्य का आश्वासन देती है। किसानों द्वारा हाल ही में अधिनियमित 3 कृषि कानूनों और विद्युत संशोधन विधेयक 2020 के खिलाफ प्रदर्शन किया जा रहा है। आपको एक बता दूं कि देखिए, पहले अध्यादेश आया हुआ था लॉकडाउन के समय। अध्यादेश का क्या होता है कि इसमें एक आर्टिकल 123 यानी कि आर्टिकल 123 के तहत राष्ट्रपति साहब जब किसी की जरूरत होती है इस तरह के अध्यादेश की, कानून की, तो वो लाते हैं। और ये उतना ही कानून मतलब अधिनियम की तरह ही शक्तिशाली होता है, बस इसे आगे चल के आपको राज्यसभा लोकसभा में पास करवाना होता है। और एक बात हमेशा याद रखिए, विधेयक तब तक कहलाता है जब तक कि राज्यसभा लोकसभा में रहता है। जैसे ही उस पर राष्ट्रपति की सहमति मिलती है, उसमें विधेयक किस में बदल जाता है, अधिनियम कानून में बदल जाता है। ठीक है, अभी आपने देखा होगा कि कुछ लोग कह रहे हैं कि वो किसान एक तरह से मतलब बहकावे में आ चुके हैं और वो पैसे लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, तो कम से कम उन्हें तो शर्म आनी चाहिए।
कई मैंने एक्टरों को भी देखा है। अरे भाई वो चलिए 100 100 रुपये, 200 200, 500 500 रुपये में बैठे हुए, उनके खेत में आप जाइए वो 700 रुपये देंगे आप लोगों को। तो ये बेवकूफी वाली बात, अगर आप नहीं, वो गेहूं नहीं उगाएंगे वो आपको नहीं देंगे तो क्या खाओगे आप लोग? अपने हिसाब से अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या खाओगे। तो किसानों के बारे में मुझे लगता है कि इस तरह की बातें करना शोभा नहीं देता है। अगर मान लीजिए आप उनके पक्ष में नहीं खड़े हुए हो तो कम से कम उनके विपक्ष में तो मत खड़े होइए। कल देख लेंगे आप लोग, अगर कल वो रोक दें तो आपका काम खत्म हो जाएगा तमाम। ठीक है, अब बात करते हैं न्यूनतम समर्थन मूल्य की, एमएसपी जिसे कहते हैं आप लोग। न्यूनतम समर्थन मूल्य किसी भी फसल का वह न्यूनतम मूल्य होता है जिसे सरकार द्वारा किसानों के पारिश्रमिक के तौर पर स्वीकार किया जाता है। इस तरह न्यूनतम समर्थन मूल्य कृषि मूल्य में किसी भी प्रकार की तीव्र गिरावट के खिलाफ कृषि उत्पादकों को सुरक्षा प्रदान करने हेतु भारत सरकार द्वारा अपनाई जाने वाली बाजार हस्तक्षेप की एक प्रणाली है, या किसी भी फसल की वह कीमत है जो उसकी सरकारी एजेंसी द्वारा फसल की खरीद करते समय भुगतान की जाती है। वित्तीय वर्ष 2018-19 में के केंद्रीय बजट में सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य को किसानों की उत्पादन लागत का 1.5 गुना करने की घोषणा की थी। छोड़िए इसे आप लोग, न्यूनतम समर्थन मूल्य का सीधा सा आप मतलब निकालिए। सरकार एक मूल्य निर्धारण करेगी, जैसे आप मान लीजिए गेहूं का एक मूल्य निर्धारण कर दिया है, फसल बोने से पहले ही वो कर देते हैं इसे। ठीक है, अब क्या होगा कि आपकी फसल होगी तो आप अगर उससे ज्यादा जो सरकार ने मूल्य निर्धारित किया है उससे ज्यादा अगर आपको बाजार में मिल रहा है तो आप बाजार में बेच सकते हैं व्यापारियों को, बिचौलियों को। अगर उससे कम आपको मिल रहा है रेट तो आप सरकार को सरकारी मंडी में दे सकते हैं और सरकार ने जो मूल्य निर्धारित किया है उसी को आप लोग प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, मेरा यहां एक और मानना है कि मुझे लगता है कि सरकार को ऐसा कानून लाना चाहिए कि कोई भी व्यापारी हो, बिचौलिया हो, सरकार का कोई नुमा कोई व्यक्ति हो, सबके लिए एक निर्धारित मूल्य निर्धारित कर देना चाहिए। अगर व्यापारी भी खरीदता है तो इतने रुपए से कम में नहीं खरीदी जाएगी, क्योंकि अभी आप देखते हैं कि अधिकतर किसानों का शोषण होता है, व्यापारी भी शोषण करते हैं। आपने देखा है कि सरकारी रेट रहेगा अगर 20 रुपया तो उसमें किसान लेंगे 15 रुपये, किसानों से जो व्यापारी होंगे बिचौली होंगे वो 15 लेंगे, क्योंकि किसान इनसे ऋण लेते रहते हैं ब्याज, एक ब्याज पर एक तरह से बीज खाद, तो ये भी प्रॉब्लम रहती है। तो मुझे लगता है कि सबको एक तरह से नियम बना देना चाहिए कि अगर इन नियमों का कोई उल्लंघन करता है तो उसे कानूनी उस पर जो भी दंड रहेगा दिया जाएगा। तो इससे क्या रहेगा, किसान काफी शक्तिशाली होंगे, उनकी आर्थिक स्थिति भी सुधरेगी। और वैसे भी आप जानते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री साहब ने कहा है कि 2022 तक हमें किसानों की आय दोगुनी करनी है, तो इस तरह के कदम उठाने की मुझे लगता है जरूरत है। अब बात करते हैं किन फसलों पर दिया जाता है एमएसपी। तो कृषि लागत और मूल्य आयोग द्वारा सरकार को 22 अधिशिष्ट फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य तथा गन्ने के लिए उचित और लाभकारी मूल्य जिसे आप लोग FRP की सिफारिश की जाती है। तो याद रखिए कृषि लागत और मूल्य आयोग के द्वारा सरकार को 22 अभी तक फसलें आगे बदलती रहती हैं, नई नई जोड़ती रहती हैं। अब आपके दिमाग में आता होगा कि कृषि लागत एवं मूल आयोग क्या है। गृह भारत सरकार के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय का एक संलग्न कार्यालय है। इसकी स्थापना जनवरी 1965 में आया था अस्तित्व में। यह एक सलाहकारी निकाय है जिसकी सिफारिश सरकार के लिए बाध्यकारी नहीं है। यहाँ कहने का मतलब है कि अगर जो सिफारिश कर रहा है सरकार माने ना माने, सरकार पर एक तरह से क्या रहती है, सरकार मतलब वो सरकार अपने आप में इतनी ही वो है कि इसकी सलाह माने या ना माने सरकार पर निर्भर है। अधिदिष्ट फसलों में आपको देखने को मिलेगी 14 खरीफ की फसलें और 6 रबी फसलें और 2 अन्य वाणिज्यिक फसलें इसमें शामिल है। इसके अलावा आप देखेंगे तोरिया जिसे लाही और नारियल के न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण क्रमशः सरसों और सूखे नारियल के न्यूनतम समर्थन मूल्य के आधार पर किया जाता है, क्योंकि इससे मैंने देखा है कि प्रीलिम्स में क्वेश्चन बन गया है कई बार और आप देखेंगे कि आप काफी चर्चा में है ये आंदोलन, तो हो सकता है लिखित परीक्षा के लिए भी आ सकता है, यानी कि मुख्य परीक्षा में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, या फिर आप देखें कि निबंध में पूछ ले किसानों की स्थिति के बारे में, वहां तो एक शब्द दे दिया जाता है वहां आपको लिखना होता है, तो आप इन सबको वहां भी शामिल कर सकते हैं। फसलों की अगर सूची की बात करें तो अनाज में आपको धान, गेहूं, जौ, ज्वार, बाजरा, मक्का और रागी। दाल की बात करें तो इसमें 5 है, चना, अरहर, मूंग, उड़द, मसूर की दाल। अगर तिलहन की बात करें तो 8 है, मूंगफली, सरसों, तोया और सोयाबीन, सूरजमुखी के बीज, तिल, कुसुम,
कभी और रामतिल का बीज, कच्ची कपास, कच्चा जूट, नारियल, सूखा नारियल। गन्ना की बात करें तो उचित और लाभकारी मूल्य मिलता है इसे, ठीक है। न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP का निर्धारण करते समय कृषि लागत एवं मूल्य आयोग द्वारा खेती की लागत समेत विभिन्न कारकों पर निर्भर की पर विचार किया जाता है कि उसमें क्या खर्च आ रहा है, कितनी लागत हुई हुई। आयोग द्वारा खेती की लागत के अलावा उत्पाद की मांग, आपूर्ति, घरेलू और अंतरराष्ट्रीय बाजार मूल्य, रुझान, उपभोक्ता के लिए मूल्य के निहितार्थ, मुद्रास्फीति, वातावरण, मिट्टी और पानी का उपयोग तथा कृषि एवं गैर कृषि क्षेत्रों के बीच व्यापार की शर्तें आदि पर भी विचार किया जाता है। कहने का सीधा सा मतलब है कि इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए एक तरह से जो भी MSP होता है उसका निर्धारण किया जाता है। फसल बोने से पहले इसलिए कर देते हैं कि किसान अपने मन की फसल बो, कि इससे ये ना रहे कि बाजार में अधिक फसल हो गई तो आप देखेंगे कि उनका रेट नीचे हो जाता है। आप आलू से ही ले लीजिए, आपने देखा होगा कि आलू बाजार में अधिक आ जाता है तो उस समय क्या होता है, रेट उसका गिर जाता है। टमाटर बाजार में अधिक आ जाता है तो उसका रेट गिर जाता है। तो आप समझिए कि इन पर भी MSP शुरू कर दे सरकार, कि टमाटर कितना भी हो जाए लेकिन वो इतने रेट से कम में नहीं बिकेगा, तो आप समझिए किसान कितने लाभान्वित होंगे, तो ये भी देखने को मिलता है। 2018-19 के केंद्रीय बजट की बात करें तो इसमें क्या परिवर्तन हुआ था। 2018-19 के बजट में तत्कालीन वित्त मंत्री ने कहा था कि एक पूर्व निर्धारित सिद्धांत के रूप में न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP फसलों की उत्पादन लागत में से 1.5 गुना अधिक तय किया जाएगा। ये तो बहुत पहले से होता रहा है। आप जिस तरह से सुनते रहते हैं ना कि शिक्षा में खर्च किया जाएगा GDP का 6%, लेकिन आज तक आप समझते हैं कि कभी नहीं किया जा चुका है। अभी तक आपने देखा होगा कि 1.5 से 2.5% तक बहुत शिक्षा पर खर्च किया गया है। इसी तरह से जो भी सरकार आई है तो किसानों की आर्थिक स्थिति सुधारने की बात करती रही है, लेकिन ये आर्थिक स्थिति आज तक नहीं सुधरी है। यही आपके नेताओं का निकम्मेपन का सबूत है एक तरह से, समझ रहे हैं। इस तरह कृषि लागत एवं मूल्य आयोग का कार्य अब केवल एक सीजन के लिए फसल के उत्पादन लागत का अनुमान लगाना और 1.5% यानी कि 1.5 गुना फार्मूला लागू करके MSP की सिफारिश करना है। उत्पादन लागत निर्धारण का तरीका अगर हम बात करें कि किस तरह से इसका तरीका रहता है, तो कृषि लागत एवं मूल्य आयोग द्वारा जमीनी स्तर पर सर्वेक्षण के माध्यम से फसल की उत्पादन लागत का निर्धारण नहीं किया जाता है, बल्कि आयोग फसलों की उत्पादन लागत का निर्धारण करने के लिए कृषि मंत्रालय के तहत आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय द्वारा प्रदान किए गए राज्यवार और फसल विशिष्ट उत्पादन लागत अनुमानों से संबंधित आंकड़ों का प्रयोग किया जाता है। हालांकि ये आंकड़े 3 वर्ष के अंतराल पर ही उपलब्ध हो पाते हैं। CACP द्वारा राज्य और अखिल भारतीय दोनों स्तरों पर प्रत्येक फसल के लिए 3 प्रकार की उत्पादन लागतों का अनुमान लगाया जाता है। ये भी कई बार आपने देखा होगा कि चर्चा में बने रहते हैं। A2 ये क्या होता है, इसके तहत किसानों द्वारा बीज, उर्वरक, कीटनाशकों, श्रम पट्टे पर ली गई भूमि, ईंधन, सिंचाई आदि पर किए गए प्रत्यक्ष खर्च को शामिल किया जाता है। कहने का सीधा सा मतलब है कि जो किसान इन पर खर्च करता है, बीज हो गया, उर्वरक हो गया, कीटनाशक हो गया, श्रम हो गए, पट्टे पर ली गई, जो आप ले लेते हैं ना पट्टे पर कितने में जमीन बोने के लिए, जो भी ईंधन होगा, सिंचाई की सुविधा होगी, उसे A2 के अंतर्गत रखा जाता है। फिर आप देखेंगे A2 FL, इसके तहत आप देखेंगे A2 के साथ साथ आवेतनिक पारिवारिक श्रम का एक अधिरोपित मूल्य शामिल किया जाता है। कहने का मतलब है कि आप देखते होंगे कि परिवार के मेंबर भी उसी में लगे रहते हैं, उन्हें वेतन नहीं दिया जाता है तो उन्हें शामिल किया जाता है। C2 की अगर बात करें तो यह एक आधिकारिक व्यापक अवधारणा है, क्योंकि इसके अंतर्गत A2 FL में किसानों की स्वामित्व वाली भूमि और अचल संपत्ति के किराए तथा ब्याज को भी शामिल किया जाता है, तो ये C2 के अंतर्गत रहता है। अब बात करें मूल्य निर्धारण से संबंधित मुद्दों की, तो वर्ष 2018-19 के केंद्रीय बजट में भाषण में सरकार ने उत्पादन लागत को निर्दिष्ट नहीं किया था जिस पर 1.5 गुना फार्मूला की गणना की जाती है। CACP की खरीफ फसलों के लिए मूल्य नीति विपणन सत्र 2018-19 में रिपोर्ट में कहा गया था कि उनकी सिफारिश A2+FL लागत पर आधारित है। विरोध प्रदर्शन कर रहे किसानों की मांग है कि कृषि वैज्ञानिक MS स्वामीनाथन की अध्यक्षता वाले राष्ट्रीय किसान आयोग द्वारा अनुशंसित 1.5 गुना MSP फार्मूला C2 लागतों पर लागू किया जाना चाहिए। इसमें सभी एक तरह से खर्च इसमें शामिल किए जाना चाहिए, A2 शामिल है और FL भी एक तरह से शामिल है। सरकार क्या कह रही है,
इस पर भी बात कर लेते हैं। कृषि लागत एवं मूल्य आयोग एक व्यापक तरीके से सभी लागतों पर विचार करता है, जो कि समय समय पर विशेषज्ञ समितियों द्वारा सुझाई गई पद्धति पर आधारित होती है। न्यूनतम समर्थन मूल्य की सिफारिशें करते समय CACP द्वारा A2+FL और C2 दोनों लागतों पर विचार किया जाता है। कृषि लागत और मूल्य आयोग द्वारा A2+FL लागत पर MSP की गणना प्रतिफल के लिए की जाती है, जबकि C2 लागत पर MSP की गणना बेंचमार्क लागत के लिए की जाती है। तो आप समझिए, क्या समझना है अब आपको, कि आपने देखा होगा लॉकडाउन महामारी के कारण हमारी अर्थव्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है। अगर किसी ने लाज हमारी बचाई है तो कौन है? कृषि क्षेत्र, किसानों ने हमारी लाज बचा के रखी हुई है। आप उस देश के बारे में अंदाजा लगाइए जहां खेती ना होती हो, जहां किसान ना होते हो। लॉकडाउन के टाइम आपने देखा है सब कुछ ठप था, कहीं कोई आवाजाही नहीं हो रही थी। उस समय उनकी स्थिति क्या हुई होगी, एक बार अंदाजा लगा के देखिए आप लोग। मैं ये नहीं कहता हूं कि आप किसान नहीं है तो आप आंदोलन नहीं करिए या उनका सपोर्ट नहीं करिए। आपकी जो थाली है उसमें खाना कहाँ से आ रहा है, ये भी तो देख लेना चाहिए आप लोगों को। अगर वो खाना बंद हो जाएगा, खाना आना, तो आप क्या करेंगे? आपके पास दूसरा ऑप्शन है? मुझे नहीं लगता है आपके पास ऑप्शन। तो कम से कम मुझे लगता है कि ध्यान दे के जो भी सोशल मीडिया पर आप लिख रहे हैं, जो भी सपोर्ट कर रहे हैं, वो ध्यान दे लिया करिएगा थोड़ा बहुत। अभी मैं कल ही परसों, कल ही की बात है, मैंने खोला सोशल मीडिया पर देख रहा था, तो कोई लिख रहा था कि वो जब मोदी साहब या सरकार थाली बजवा सकती है पूरे देश में, तो लठ भी बजवा सकती है, डंडे भी बरसा सकती है। किस पर बरसा सकती है? तुम्हें शरम मरम है या वो भी बेच के खा गए? कम से कम शर्म रखनी चाहिए मुझे लगता है। और मैं हमेशा इसीलिए बोलता रहता हूं आप लोगों से कि दो वक्त की रोटी कम खाइए और उतनी खाइए जितने में जरूरत पूरी हो जाए। मैं कहता हूं कपड़ा कम पहनिए, सस्ता पहनिए और अपने बच्चों को जरूर पढ़ाइए, क्योंकि ये पैदाइश उन्हीं की है जिन्होंने ना तो अपने बच्चों को पढ़ाया है, अगर पढ़ाया होता तो वो सही गलत का फर्क जानते होते। इसी समय हमने देखा है लॉकडाउन में भी इसी तरह के कमेंट किए गए कि वो गरीब हैं तो मर रहे हैं। सबसे भयानक स्थिति तो एक मुझे देखने को मिली अंदर तक हिलाने वाले, वो था आपने देखा होगा कि एक महिला बच्चे को जन्म देती है रोड पर, उसके बाद फिर चलने लगती है, ऐसा कहा जाता है। और मुझे लगता है कि देखिए जिसके साथ घटना घटती है वो बेहतर जानता है उस घटना के बारे में, कि जब एक बच्चे को माँ जन्म देती है तो उसका दूसरा जन्म होता है माँ का। आप समझिए उसके बारे में भद्दे कमेंट करना कितना शोभा देता है इन लोगों को। तो मैं मानता हूं कि इनकी सोच अपनी सोच नहीं है, ये दूसरी की सोच पर, दूसरी की सोच पर एक तरह से चलने वाले लोग हैं। क्या मिल जाएगा तुम्हें एक तरह से इस तरह की बातें करके? आप समझिए कि भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव ये जब आंदोलन कर रहे थे तब भी इसी तरह की आवाजें उठ रही थी। सरकार ने आतंकवादी कहती थी, देशद्रोही कहती थी, लेकिन आज हम लोग बड़े गर्व से इतिहास में उन्हें पढ़ते हैं। और उन्हें जब तक धरती रहेगी, जब तक मुझे लगता है जिंदगी रहेगी, तब तक इतिहास में उनका नाम रहेगा, उनकी पूजा होती रहेगी। उस समय भी आप जैसे दो मतलब जो इन जो भद्दे कमेंट करते हैं, जो इस तरह की सोच रखते हैं, ऐसे पैदा हुए होंगे, मर गए। और आप जानते हैं कि इतनी जनसंख्या है हमारे पास, किसे कौन याद रखता है? इनमें से एकाध दो ही नाम को याद रखा जाता है इतिहास में, और वो भी आपके कर्मों पर याद रखा जाता है। आप गद्दारी की गद्दार एक तरह से क्या बन के इतिहास में लिखे जाते हैं वो आप पर निर्भर रहती है, लिखे जाते हैं या नहीं लिखे जाते हैं। तो कम से कम मुझे लगता है कि छात्रों का समर्थन आपको करना चाहिए और किसानों का समर्थन करना चाहिए, और सेना पर कभी भी आपको डाउट नहीं रहना चाहिए। अगर वो ना खड़ी होती सेना बॉर्डर पर तो आप बोलने लायक भी नहीं होते। और मेरा ऐसा मानना है कि हम सबको भरोसा है सेना पर, फिर चाहे वो नेता हो कोई भी हो, अगर नेता बोलता है सेना पर भरोसा नहीं है तो वो जहां खड़ा हुआ है वहां खड़ा ना होता अगर सेना ना होती तो। आज अगर आप कहें कि किसान मतलब बगलाए हुए हैं या उन्हें कुछ भी शब्द बोल दीजिएगा, अगर वो ना कर रहे होते मेहनत, तुम्हारी थाली में कुछ और होता। अब क्या होता आप अपने हिसाब से अंदाजा लगाते रहिएगा। तो मुझे लगता है कि आप लोग तो कम से कम समझदार होंगे,
आप तो अपनी राय जो भी हो, मैं ही नहीं कहता हूं कि उनका सपोर्ट करिए, आप घर से सब कुछ, आपके घर में कुछ नहीं है फिर भी आप लोग उनके सपोर्ट में लग जाइए, लेकिन कम से कम उसके विरोध में भी तो मत कहिए। और मुझे लगता है इस तरह के आप अगर कमेंट करते हैं, लिखते हैं, इस तरह के शब्द बोलते हैं, तो रात में कम से कम 1 से 2 मिनट के लिए मिल तो लिया करिए अपने आप से। आपके पास 24 घंटे, कम से कम 5 मिनट के लिए अपने आप से निकाल के पूछ लिया करिए सही रास्ता चुने हुए हैं आप लोग या गलत रास्ते पर निकल चुके हैं। अब आप समझिए कि इनके बाप दादा क्या थे, इसी तरह की गुलामी करते रहे, इसी तरह की बकवास करते रहे, ये भी इसी तरह की बकवास कर रहे हैं, और इसी तरह के इनके बच्चे भी बकवास करेंगे, और आने वाली उनकी पीढ़ी भी बकवास करेगी। नेताओं की रोटियां सिकती रहेंगी, सिकेंगी और सिकती रही हैं एक तरह से। आप अपनी समस्याओं के लिए खुद जिम्मेदार हैं, किसी को जिम्मेदारी, मुझे लगता है किसी और पर जिम्मेदारी डालना नहीं चाहिए। अब बुंदेलखंड के किसानों की बात की जाए तो आप समझिए वो अपने लिए, अपने लिए जिम्मेदार हैं। आप समझिए कि बुंदेलखंड से कई नेता निकले, उन्होंने अपने और काम किया होता तो आज वो भी खुशहाल होते। बैतवा कैन अभी लिंक की बात की जा रही परियोजना की, आप समझिए बहुत पहले हो जाना चाहिए था एक तरह से। बुंदेलखंड में पानी के लिए लोग तरसते हैं, आप समझिए आपके पास नदी है, आपके पास पानी की सुविधा है, बस आप पानी एक जगह से दूसरी जगह नहीं ले जा पाए, इतनी सुविधा नहीं कर पाए, तो आप खुद जिम्मेदार हैं। आप ऐसे नेताओं को चुनते हैं जो अपने निकम्मेपन का हर बार सबूत देते हैं, और हर बार आप चुन के उन्हें संसद या विधानसभा में भेज देते हैं। चलिए भुगतते रहिए, मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि इसी तरह आप अगर आप सोच रख रहे हैं तो भुगतते रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, इसके बारे में जो भी पॉइंट है उन्हें याद रखिए, क्योंकि क्वेश्चंस कभी भी पूछा जा सकता है, स्टेट पीसीएस में, सिविल सर्विस में, वन डे एग्जाम में भी क्वेश्चंस आ सकता है।